दुर्ग जिले को पेयजल आपूर्ति करने वाली शिवनाथ नदी लबालब पानी से भरी हुई है, लेकिन दुर्ग निगम का 42 MLD फिल्टर प्लांट दो दिनों से सूखा है। दुर्ग निगम के आधे वार्डो में पानी सप्लाई नहीं हुई है। दुर्ग में जल संकट की स्थिति निर्मित होने व पानी सप्लाई ठप होने से जनता की समस्याओं को लेकर आज भाजपा पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय में महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आयुक्त कार्यालय के नीचे बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे कमिश्नर लोकेश चंद्राकर को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए पानी की संकट सहित स्ट्रीट लाइट बंद होने व राशन कार्ड जैसे मुद्दों को लेकर भी आड़े हाथों लिया और 3 दिन में जल संकट दूर नहीं होने पर जनता के साथ फिर प्रदर्शन की चेतावनी दी। शहर में विगत 5 दिनों से पानी की घोर जल संकट हो गई है और जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। 5 दिनों से शहर की जनता पानी के लिए तरस रहे। आज इस मुद्दे को लेकर हमारे भाजपा पार्षद दल द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, घेराव किया गया और जिम्मेदार जो महापौर है, आयुक्त हैं, इनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। और उसका कारण हम सब जानते हैं, ये लगातार जो फुलगांव नाला डायवर्सन कार्य इन लोगों ने जो अपने हाथ में लिया है, 4 साल से चल रहे हैं, ये नाला डायवर्सन काम पूर्ण नहीं हुआ है और उसकी वजह से इन लोग नाला को जो बांधे हैं, शहर की अधिकांश वार्डों की गंदगियाँ जो विभिन्न नाली के माध्यम से भरकर नाला में जाता है और ये नाला में पानी रुकने के कारण जलकुंभी और जलकुंभी में जो पन्नी झिल्ली जितने भी तमाम तरह की गंदगियाँ हैं वो एकत्रित हो गई है और बरसात में बाढ़ के चलते वो सारी गंदगियाँ जलकुंभी के माध्यम से बहकर जो हमारा इंटरक्वेल है, जो 24 MLD का इंटरक्वेल है और 42 MLD का, जिसमें बड़ी बड़ी टंकियों में पानी भरा जाता है, इस साइफन में कचरा फंस जाता है और इसके कारण जो फिल्टर प्लांट तक पानी पहुँचना वो नहीं पहुँच पाता और टंकी नहीं भरने के कारण जल संकट की स्थिति बन रही है। निश्चित रूप से ये संकट प्रकृति से कहीं ज़्यादा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। इस मुद्दे को लेकर आज भाजपा के तमाम पार्षदगण मुखर हुए हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे थे और आज हम प्रदर्शन भी किए हैं और निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं, यदि 3 दिन के अंदर पानी व्यवस्था सुचारू रूप से समान नहीं हुआ तो जनता को लेकर फिर हम सब सड़क में उतरेंगे। मुझे विश्वास है प्रशासन इसको गंभीरता से लेंगे। पानी का संकट बहुत बड़ा संकट है। दुर्ग शहर के इतिहास में लगातार इतने दिनों की पानी की संकट पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी हुआ था। इस मुद्दे को लेकर मैंने भी पहले आवाज़ उठाया था, इस पुलगांव नाले की सफाई होनी चाहिए। इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, समय रहते अगर ध्यान दिया रहता तो शायद ये समस्या नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। टैंकर की भी व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आंदोलन किया है। यदि समस्या का निदान न हुआ फिर आंदोलन हो। JB हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।